80 एंड 80 ठीक ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मोशन आप उनको बना के दो रिलेशन होता है उसी को कह देते हैं क्वेश्चन आप मोशन तो लिख लीजिएगा। इट इज अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी कमा फाइनल वेलोसिटी एक्सेलेरेशन समा करते जाएगा एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन समा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम नहीं पढ़ लिखा है। इट इज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ठीक। इनके बीच में हम एक दूसरे को रिलेट करते बेटा उसे कहते हैं क्वेश्चन आप मोशन कहते हैं ठीक है। क्या बोलेंगे हिंदी में समीकरण बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है रिलेशनशिप देखते हैं पहले क्वेश्चन था बी वन बी यू प्लस सब लोगों ने हाई स्कूल से ही पढ़ रहे हैं उसका ये क्वेश्चन अभी क्या है ना कब नहीं लगता होगा लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ठीक। मतलब जो चाहिए आपको उसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी रेगुलरिटी की जरूरत होती है। बाकी तो नॉर्मल 400, 500, 300 और क्या कलाने के तो आ जाता है अगर आप थोड़ा भी मेहनत ठीक ठाक से कर लेते हैं सैडली। बट सिलेक्शन फाइनली रिजल्ट डॉक्टर बनने के लिए ठीक है जिसके लिए आप आए हो किसके लिए आए हो बी एस एम एस या कितने लोग एम बी बी एस करना चाहते हैं पैसे आ रहा सब करना चाहते हैं सब तुम मेहनत करो आयुर्वेदिक वाले आयुर्वेदिक वाले तुम ही हो उस केस में क्या है सबको अच्छा चाहिए है ना सबको अच्छा चाहिए सबको मेहनत करना चाहिए ठीक है। कुछ भी मास्टर है अगर आप मेहनत करते हो अपने अकॉर्डिंग जिसको चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ठीक। आप पता लगा चाहिए कि आप पहुँचना चाह रहे हैं दिल्ली और साइकिल चला रहे हो 10 के स्पीड में कैसे पहुँचोगे 2 घंटे में ठीक। तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ठीक है। वी का तो यू प्लस क्या हो गया एटी दूसरा है बेटा एस कंट्री यू टू प्लस थर्ड क्वेश्चन बेटा ये हमारे तीन बेसिक क्वेश्चन होते हैं एक एडिशनल हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड के लिए इसके लिए डिस्टेंस कवर्ड इन यंग सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड इन यंग सेकेंड यंग सेकेंड में डिस्टेंस अगर कवर करने के लिए जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यंग सेकेंड तो ये हो सकता है क्या कितने लोग याद है यंग सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड इन यंग सेकेंड आप बताइए 1, 2, 3 एम बी बी एस सबको तीन लोग ऐसा तो आ रहे हैं ठीक कर लीजिएगा फिर नहीं आएगा ठीक आता तभी जब आम रहता साहब डिस्टेंस का पढ़ के लिए हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे ऐसे भी कल होता है तो लगता है जल्दी से यूटे क्लास पक्का तो सेकेंड तो हाँ जी और कौन डाल सेकेंड में डिस्टेंस कवर के लिए एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए
जर्नी फ्रॉम वेस्ट विद एक्सीलरेशन 2 meters per second स्क्वायर की कार स्टार्ट जर्नी फ्रॉम वेस्ट विद एक्सीलरेशन 2 meters per second स्क्वायर हो गया विद एक्सीलरेशन 2 meters per second स्क्वायर ठीक जो एक्सीलरेशन है वो 2 meters per second स्क्वायर के क्या है आपका बराबर है ठीक लिखिए 2 meters per second स्क्वायर अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए क्या किया गया उसको अप्लाई फॉर 10 सेकेंड ठीक अप्लाई फॉर 10 सेकेंड एंड देन मूव विद वेलोसिटी जो मेरे को अटेंड करेगा उसी वेलोसिटी सेम वेलोसिटी फॉर 20 सेकेंड एंड फाइनली अप्लाई द ब्रेक सो ये रिटार्डेशन ऑफ 4 meters per second स्क्वायर 4 meters per second स्क्वायर रिटार्डेशन ऑफ 4 meters per second स्क्वायर इज डेवलप देन डिटरमाइन पहला लिखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द कार
कैल्शियम कितनी बनाते बेटा वो अटेन करेगा। ठीक, दूसरा पार्ट टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी, टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी, पूरी जर्नी में कितना कुछ समय रहेगा। तीसरा पार्ट टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग होल जर्नी, टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग होल जर्नी, टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग होल जर्नी। टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग होल जर्नी, टोटल डिस्टेंस कवर है पूरी जर्नी में वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग होल जर्नी। ये 2 मिनट का टाइम है, अगर आपने लगा दिया तो इस टाइप के जितने डेटेल फॉर्मूले से है सब लग जाएंगे, सारा इंक्लूड कर दिया गया उसमें। ठीक, तो क्वेश्चन आप मौसम के क्वेश्चन आपको लग जाएंगे अगर आपने लगा लिया, लेकिन जल्दी करिए। लग गया सर पहले 20 मीटर पर सेकंड, जैसे 35 सेकंड, जैसे 550 मीटर। कितने लोग लग गया है तो बहुत सही है। जीरो एक्सीलेशन अप्लाई किया गया, एक्सीलेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलेशन डेवलप किया गया जब कुछ स्टार्ट की गई। कितने सेकंड से किया गया, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक जो वेलोसिटी ने अटेन किया था उसी वेलोसिटी से ये 20 सेकंड तक कंटिन्यू फिर चला, तो अभी टाइम T2 जो है वो हमारा 20 सेकंड है बेटा। कितने सेकंड, 20 सेकंड। इस 20 सेकंड में सब होता है डिस्टेंस कवर्ड हमारा एस टू है। हम ड्राइवर क्या किया, ब्लैक बनाने शुरू किया। ठीक, तो जब ब्लैक बनाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी घटे
जीरो चार मीटर पर सेकंड करेंगे क्या जो हमारे नॉन फॉर्मेशन है उसके बेस पे पहले जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो देखते हैं। पहला आपसे पूछा गया टोटल टाइम आप मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? अभी कल आपको बोला था बेटा एक्सीलेटेड मोशन के एंड पे, एक्सीलेटेड मोशन के एंड पे जो वेलोसिटी आपकी होती है उसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। जब आपका क्या डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू जिस स्टैंड पे जीरो होगी, ठीक, यानी एक्सीलेशन जिस स्टैंड पे जीरो होगा उस समय वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। जीरो होने का मतलब प्लस से जीरो हो रहा है, ठीक, तो वेलोसिटी होगी वो हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक। तो आप देखोगे इस पॉइंट मान लो बी है, बी बराबर हमने पढ़ा यू प्लस ए डी पढ़ा ना बेटा, यू का मान बदल गया रेस्ट में था, रेस्ट का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये वैल्यू हो गया प्लस जीरो प्लस ए का मान जो डोज उसके लिए नर्स का रिक्वायर्ड होगा, जो डिजीज होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे ना, कि सबको एक एक कैप्सूल खिलाएंगे। सर देखो ये वैल्यू हो गया ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड के बराबर हो गया। दूसरा टोटल टाइम टोटल टाइम बेटा, अगर ये ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है ना, हमने निकाले ट्वेंटी मीटर, तो मतलब इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी उसे कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहाँ भी वैल्यू बेटा कितना होगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए फिर क्वेश्चन अप्लाई कर दो, लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए देखो हमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलेशन मालूम है, राइट कर सकते हैं ना, ठीक। पर लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी, पर लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी, लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए क्या होगा? जो हमारी लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी है उसके लिए हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो कंडीशन बनता है हमारा यहाँ पे बी इक्वल टू बी एस इक्वल टू बी, एक्सीलेशन की जगह पे हमें डी एक्सीलेशन है, एक्सीलेशन की जगह पे डी एक्सीलेशन है, जर्नी की बेटा क्या
पहला 10 सेकंड, दूसरा वाला 20 सेकंड, तीसरा वाला निकाल लिया 5 सेकंड। टोटल वैल्यू आ गई 10 प्लस 20 प्लस 5 दैट इज कितना 35 सेकंड। निशान हो गया। चलिए और लो लगाओ बेटा, ठीक। तो 35 सेकंड हो गया इसकी वैल्यू। तीसरा पार्ट पूछा गया था टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू क्या होगी। अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड आप निकालोगे कितनी कुल दूरी को तय करेगा, टोटल डिस्टेंस आपका क्या कवर कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर पहले हम एस वन निकालेंगे, ये थर्ड पार्ट हमारा है। एस वन की वैल्यू क्या है, तो फिर एस से तीनों को सम करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ सेकंड पार्ट में समझ रहा था, सेकंड पार्ट में टाइम निकालना था, दो का टाइम दिया था, तीसरे का टाइम आपको निकालना था। तो ठीक समझ लीजिए, तो ग्राम में लगाने की जरूरत नहीं। याद रखिए बेटा, जो फर्स्ट पार्ट का एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी का एक्सेलरेशन, लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी का रिटार्डेशन, दोनों बराबर बराबर थे। अगर दोनों कैसे हैं इक्वल इक्वल, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन भी होता, मंथन भी उतना ही होता, तो उस कंडीशन में जितना समय वेलोसिटी गेन करने में लगाएगा उतना ही समय वेलोसिटी को फिर से जीरो होने में लगता, मतलब इक्वल टाइम इक्वल होता होता। अगर वो भी 2 होता तो लास्ट वाला टाइम भी हमारा क्या आता, 10 सेकंड ही आता, ठीक। पहला पॉइंट, अगर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन बराबर होते हैं तो एक्सेलरेटेड टाइम ऑफ जर्नी का जो टाइम इंटरवल होगा वो डी एक्सेलरेटेड टाइम ऑफ जर्नी का क्या बराबर आएगा। ये दोनों टाइम तब क्या होती हैं बराबर बराबर, और साथ में दोनों दूरियां भी तब बराबर बराबर मिलेगी। डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू में क्या होगी, तब बराबर इक्वल इक्वल मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर है, कुछ गया दिमाग में सर? ऊपर से गया हाँ गया कि फिर से बताएं? ये बोला कर तो खाना आने देते क्या मम्मी लोग, कि अपने यहाँ से बनाना पड़ता है। चलिए तो उसके इसमें क्या होगा, अगर एक्सीलेशन एक्सीलेशन और रिटार्डेशन दोनों पहले बराबर हैं, जितना समय उसको वेलोसिटी गेन करने में लगेगा उतना ही समय फिर से वेलोसिटी जीरो होने लगेगा। जितना दूरी ये वेलोसिटी गेन करने में चलेगा उतना ही दूरी फिर से वेलोसिटी जीरो होने लगेगा। अगर बराबर होता तो पहला पॉइंट। दूसरा, अगर जितना एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन उसका डबल हो, एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन क्या है डबल है, तो उस केस में जो टाइम टेकन होगा इसके वेलोसिटी को फिर से जीरो करने में वो पहले वाले का आधा होगा, और डिस्टेंस कवर्ड भी पहले वाले का आधा मिलेगा। फिर वो कैलकुलेट करेंगे तो जितना मिल जाएगा। अगर ये जितना है उसकी उसके तुलना में दो गुना अगर ये है, इस पार्ट का समय जो होगा पहले पार्ट का आधा, और जो डिस्टेंस कवर्ड करेंगे वो भी पहले पार्ट का क्या होगा आधा होगा। आपको निकालने के बाद चीज़ें याद रखिएगा। तीसरा, अगर जितना इसका एक्सेलरेशन है उसका आधा का भी एक्सेलरेशन हो तो हाफ, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे कितना होता 1 होता आधा होता, तो जो टाइम इंटरवल होगा रिटार्डेशन वाले का वो एक्सेलरेटेड वाले का दोगुना हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 सेकेंड है तो वहाँ पर 1 होता तो 20 सेकेंड हो जाता, अगर यहाँ पे 10 मीटर चलता तो वहाँ पे 20 मीटर चलेगा, ठीक। तो ये 3 पॉइंट ऐसे साफ हो जाते हैं। अब हमें क्या S1 निकाल लेते हैं, S2, S3, ठीक। अब देखो S1 की वैल्यू देखो, पहले वो वेस्ट से स्टार्ट हो जाती है, बराबर U की प्लस हाफ A की स्क्वायर पड़ा है जी सर। S1 की वैल्यू, U की वैल्यू 0 है बेटा, हाफ A की वैल्यू आपको 2 है, T का मान 3 है, N का स्क्वायर भी 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा ये बराबर। अब डायरेक्ट कितना चाहते हैं तो S3 50 मीटर आएगा, अभी हम लोग कैलकुलेटर करके देख लेंगे S3 कितना आएगा, क्योंकि वहाँ पर डी एक्सेलरेशन दोना है, ठीक। S2 देख लो बेटा, S2 की वैल्यू होगी देखो यहाँ से यहाँ तक सेम वेलोसिटी से जा रहा है 20 मीटर, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। एस की वैल्यू आपको निकालनी है, हमारे पास दो ही क्वेश्चन है, एक होता है क्या एस पैटी यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आप चाहे लगा लो या 20 का ही करते हैं, क्या प्लस टू एस से लगा लिए, लेकिन ये एक की वैल्यू है नहीं तो आप सीधे लगा ले जाएंगे इससे। ऐसे कर दो एस टू कर दो होगा यू टू टी टू प्लस हाफ ई टू टी टू स्क्वायर। बेटा यहाँ देखो एस टू का वहाँ निकालना है, यू टू मतलब कि ये भी नहीं हमारा यू टू का काम कर, तो 20 और समय भी कितना है 20, एक्सेलरेशन है ही नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो कितना 4 400 मीटर आ गया। सेकेंड पार्ट का टाइम डिस्टेंस कवर्ड हो गया, हमें मिल गया, ठीक। तीसरे
कितने पार्ट में देखो इसके लिए थर्ड इक्वेशन लगा दो बीस का निकाल दो बीस का प्लस तो ये फार्मूला होता है लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन साइन क्या दे माइनस अगर पहले से आप माइनस करेंगे तो बैलेंस को करते समय माइनस नहीं रखिएगा अगर पहले से प्लस कर जाए तो बैलेंस को करते समय माइनस ले लीजिएगा ठीक तो यहाँ पे बी और बी का वैल्यू मान लीजिए तो जीरो है क्यू का मान माइनस आठ पचास से चार सौ कितना हो गया 400 पचास बस आठ रिटार्डेशन डबल है तो डिस्टेंस कवर्ड और टाइम इंटरवल आधा आधा हो जाएगा ठीक तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया टोटल डिस्टेंस ऐसे कट के एस वन प्लस एस टू प्लस क्या एस थ्री एस वन की वैल्यू बेटा 100 एस टू की वैल्यू 400 एस थ्री की वैल्यू 50 वैल्यू हो गया 500 कितना 50 भी लगे कितने लोगों का साथ रहेगा दो तीन लोगों का सबसे एक ऐसा नहीं काम करेगा बाकी लोग से टक्कर डालिएगा और एक बार घर पे जाके क्वेश्चन पढ़ के बिना चीटिंग किए हम दोबारा बिना देखें अपने से कर डालिएगा अगर एक क्वेश्चन लगा दिया इसमें तीनों कॉन्सेप्ट यूज हैं ठीक तो अगर एक क्वेश्चन आपने लगा दिया कम्प्लीटली तो मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ठीक है नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ जल्दी करिए लिखिए जल्दी करिए फास्ट वाला सही था कि बाद में फिर लगाया फास्ट वाला मुझे आपसे पहले बताया देखिए बदले नहीं है कभी कभी मिल जाता है कभी कभी नहीं कभी भी नहीं कभी कभी एग्जाम के दिन हो गया था गलत कभी नहीं इतने बड़े क्वेश्चन थे इतने बड़े थोड़े आएंगे इतने बड़े नहीं आएंगे ये आएंगे नहीं कोई एक कॉम्पोनेंट पूछा जाएगा जब एग्जाम में आपका आएगा मतलब तीनों कॉम्पोनेंट तब नहीं रहते कोई एक आपका रहता है या ज़्यादा ज़्यादा दो मिक्स कर देंगे तीनों नहीं रहते सकते हैं और हाँ हाँ अभी बता देंगे अंडर ग्रेविटी का दिन उसको बस बदल जाएगा एक क्वेश्चन एंथ वाला कर लीजिए क्या एंथ सेकेंड याद रखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन आपने लिखा है वही क्वेश्चन आप मोशन नहीं कहलाता है बट एंथ सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड आपको प्रोवाइड करता है अब वो अप्लीकेबल होता है जब आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन हम लोगों ने एंथ सेकेंड के लिए लिखा है ना ये क्वेश्चन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी आपकी मूव कर रही है अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू वेरिएबल है बदल रही है तो उस फार्मूले को आप यूज़ नहीं कर सकते मतलब जैसे अंडर ग्रेविटी कोई चीज़ हम लोग गिरा दिया तो जी कांस्टेंट काम कर रहे हैं
तो आप यूज कर सकते हैं। आपकी गाड़ी चल रही कॉन्स्टेंट स्पीड से आप कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन पर आपसे अप्लाई कर रहे हैं तब हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कभी ब्रेक लगा रहे हैं कभी एक्सीलरेट कर रहे हैं तब उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिखिएगा इक्वेशन लिखिए उस पर जल्दी से बाइक जी सर। अरे यार ब्लॉक क्या कह रहे हैं? अरे हम क्वेश्चन लिखे तुम लिख नहीं पा रहे हो। वॉशरूम देखिए आपको क्या आवाज़ आ जाती है? देखो बच्चे वहाँ सुन ले रहे हैं, आप यही नहीं सुन पा रहे हो। अब तो पंखे का आवाज़ सुन रहे होंगे तो कहाँ से हमारी आवाज़ सुनी करो। चलिए देखिए एक क्या ये बाइक स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, बाइक स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, बाइक स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट विथ एक्सीलरेशन, विथ एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए देन देन डिटरमाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, देन डिटरमाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, देन डिटरमाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10th सेकेंड, इन 10th सेकेंड। 10th मतलब क्या? 10वें सेकेंड। 10वें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा पहले उसका निकालना होता है। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड। क्वेश्चन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी
हो गया क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के लिए जब यूज़ करेंगे बस जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टेट पार्ट पे पढ़ा है बेटा ना वही में केवल क्या चेंज कर देंगे जी की जगह पे जी एच की जगह पे हम लोग एच कर लेंगे ठीक है एच की जगह क्या कर लेंगे आप एच और क्या ए की जगह पे जी कर लेंगे ठीक है अब एक लोग इक्वेशन कन्वर्ट करके बताएंगे पहले जैसे सुन क्या जाए पहला इक्वेशन आप बता दो अगर हम लोग वर्टिकली किसी बॉडी को फेंकते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगा यू प्लस जी टी पहला इक्वेशन होगा मोशन अगर ग्रेविटी मोशन अगर ग्रेविटी हम लोग करेंगे बेटा ये हमारा डायमेंशनल मोशन है वन क्या डायमेंशनल मोशन है बेटा तो वन डायमेंशन यानी वर्टिकल मोशन की बात हम लोग कर रहे हैं सीधा सीधा ऊपर फेंको या सीधा सीधा नीचे गिराओ या फेंको दोनों कंडीशन की तरफ बनेगा बेटा अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर आप अपवर्ड जाएंगे आप खड़े होकर अगर ऊपर की तरफ बॉडी फेंकी जा रही है तो जी का साइन प्लस लो या माइनस माइनस जी का साइन क्या लेंगे माइनस अगर अपवर्ड जा रहा है तो जी का साइन माइनस क्योंकि वो वेलोसिटी को घटाएगा और नीचे आएगा बेटा तो जी का साइन पॉजिटिव क्योंकि वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ठीक उस कंडीशन में कि आप ध्यान रखेंगे बॉडी की तरफ कितना प्रोजेक्ट की गई है या ड्रॉप की गई है सेकेंड इक्वेशन एस की जगह हम लोग एच लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन बताएंगे आप बता दो और उससे खड़ा करो हाँ जी सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा जल्दी से बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा एच इक्वल टू बस आप जी आपका क्वेश्चन है बेटा जल्दी करिए
किससे बोलेंगे कि बना ले, किससे बोलेंगे कि मन से बोलेंगे। नहीं निकालिए वहाँ ढूंढ के, आप निकालिए तो हम बोल देंगे अभी घंटा घोड़े में थोड़े। आप लोगों के पास अगर किसी के पास क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो अगर, या तो क्या हो जो हर टॉपिक वाइज, जैसे एक चैप्टर में अलग अलग टॉपिक वाइज आपके जो क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एरेला से एक मार्केट में बुक है बोला था आपको, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं ठीक, या कोई भी बुक ऐसी जो आपके पास हो टॉपिक वाइज हो ठीक है, तो कोई एक किलो लेके आएगा तो उसमें क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मिल जाएंगे, अदरवाइज हम ऐसे बोल के बना बताएंगे। जब हम बना के बोलेंगे तो उसके इसमें कभी कभी डाटा ऐसा हो जाता है जो टेढ़ा हो जाता है कैलकुलेशन, और जब आपका रेडीमेड रहेगा तो कैलकुलेशन आपका टेढ़ा नहीं होगा ठीक। इधर वाले सवाल चलिए भैया क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इबालिश क्वेश्चन करेंगे इस पर, इबालिश थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, इबालिश थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, लेकिन इट हिट्स द ग्राउंड, it hits the ground after some time, it hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second, with a velocity of 80 meter per second। 80 80 है बेटा, 880। Then the height of tower, then the height of tower is, जी की वैल्यू 10 आपको कंसीडर करना है बेटा, जी की वैल्यू क्या ले लीजिए आप 10 ले लीजिए, पूछा कि हाइट ऑफ टावर कितना होगा, रीचिंग वेलोसिटी 80 है बेटा 80, और जिससे ड्रॉप किया थ्रो किया गया था वो 20 है। अब इसे सुन लीजिए, वर्टिकल मोशन में बेटा अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा थ्रो ही करेंगे, बट नीचे की तरफ आने के दो सिचुएशन होते हैं, एक होता है ड्रॉप और एक होता है थ्रो। ड्रॉप का मतलब जैसे हमने इसको लिया हमने ऐसे छोड़ दिया जैसे ड्रॉपिंग, क्या ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब है रीचिंग वेलोसिटी क्या होगा जीरो, अगर कोई चीज़ ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी प्रारंभिक वेग जो होती है बेटा वो जीरो लेते हैं ठीक। लेकिन अगर कोई चीज़ थ्रो करेंगे तो हमेशा उसका रीचिंग वेलोसिटी वजह से हमने थ्रो किया तो हमने वेलोसिटी दिया उसको ठीक, तो उस कंडीशन में उसे थ्रो करें तो उसे क्या बोलेंगे थ्रो बोलेंगे ठीक। और अगर आपका क्या है रीचिंग वेलोसिटी जीरो है तो उसे हम ड्रॉप बोलेंगे, जब क्वेश्चन में ड्रॉप बोलेगा बेटा ना तो उस कंडीशन में क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी आप क्या ड्रॉपिंग में जीरो लेंगे, थ्रो जब बोलेगा तो इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा। क्वेश्चन देखो थ्रोन बोला गया, क्या बोला गया थ्रोन बोला गया, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, आपकी नीट एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है 2020। और आप अपनी बुक्स की व्यवस्था कुछ ना कुछ जरूर अरेंज कर लीजिए बेटा, ऑब्जेक्टिव बुक ठीक, कोई भी वो चलेगा, बट अगर आपको खरीदना है पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो फिर आप ले लीजिएगा एरलेस, नहीं तो कोई जो आपके पास है बहुत सारी सीरीज आपके एरियन की हैं वो भी अच्छी हैं ठीक। बाकी और भी और कई पब्लिकेशन मार्केट में हैं, एम टी जी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं तो सब अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं होती, बट एक उनमें सबसे अच्छी होती है बस अंतर उतना है। आ गया जी सर, हाइट कितना है 300 वाले हाथ का भैया, हाइट 300, 1 2 3 4। आप लोग क्यों नहीं लगाते हो आया है, जल्दी जल्दी लिख बेटा कहाँ छोटा है। ये बाल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ठीक, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड ठीक, द हाइट ऑफ टावर इज, तो हाइट आपको निकालनी है कितनी होगी टावर की,
वेलोसिटी आपको दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी है, आपको हाइट चाहिए। तो कौन सा यूज करें बेटा? जिस यूज डाउनवर्ड थ्रो किया गया, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो प्लस नहीं माइनस, प्लस ही माइनस, अरे नीचे फेंक गए यार, प्लस ही माइनस, सेपरेशन, क्योंकि टाइम इंटरवल एक एक सेकंड है सबका, तो टाइम जो सेपरेशन होगा उसका
के बीच की दूरी एंड के होंगे वो इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे? सेपरेशन सेम सेम है या डिफरेंट डिफरेंट? इसका अलग अलग वाले हाथ तो नाम अलग अलग होंगे, एक एक सेकंड के इंटरवल पे गिराई गई सेम वाले हाथ तो नाम भाई समय तो बराबर है, समय बराबर तो दूरी बराबर है ना, दो तीन अब हाथ उठाया बेटा, हाथ थोड़ा ऊपर उठाएगा, अभी देखो जितना जी के पीछे चलते हैं ना जिंदाबाद मुर्दाबाद जो भी करते हैं तो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा जो टाइम है एंड डिफरेंस जो एक एक सेकंड का है तो कुछ लोगों ने कहा कि उनके बीच का सेपरेशन भी बराबर होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं बराबर होगा। ठीक याद रखिएगा बेटा, अगर टाइम इंटरवल बराबर बराबर है, क्या बराबर है टाइम इंटरवल, तो डिस्टेंस उनके बीच की बराबर तब होती हैं जब उन कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हों। क्या हो रहे हो? कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते हैं तब डिस्टेंस बराबर होती हैं, और अगर क्या एक्सीलेटेड मोशन में है या डी एक्सीलेटेड मोशन में है तो कभी भी क्या डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, क्योंकि हर सेकंड हर अगले सेकंड में क्या पहले वाले सेकंड में क्या करेगा नेक्स्ट सेकंड से ज़्यादा चला होगा, क्योंकि उसको टाइम क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा एक्सेलेशन भी और वेलोसिटी भी गेन कर लेगा। इसलिए आप याद रखेंगे अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरा रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल के बाद तो पहला वाला जो सबसे पहले गिराए होंगे वो सबसे ज़्यादा दूरी कवर करेगा एक सेकंड में, दूसरा वाला उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम, पांचवा उससे कम, जितने भी हैं तो हर सेकंड में क्या होगा डिस्टेंस कवर की वैल्यू घटती जाएगी ऊपर जाने पे और नीचे आने पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि मोशन कैसा है एक्सीलेटेड है। एक्सीलेटेड का मतलब होता है बेटा क्या त्वरित हैं, क्या बोलते हैं त्वरित जाती है, उस केस में वेग बढ़ता जाएगा तो दूरी भी क्या होगी बढ़ती जाएगी। ठीक अब कैसे निकालें तो आसान तरीका दूसरा टेढ़ा तरीका है, टेढ़ा तरीका है कि बार बार टोटल डिस्टेंस निकालो घटा घटा के निकालो बड़ा टाइम लगता है। दूसरा तरीका है कि हमें समय कितना लगा, ये मानो पहला बार था, पहले बार में यहाँ तक आने कितना समय मिला चार सेकेंड हाथ में ये चार वाले पहले बार को नीचे आने में 4 सेकेंड लगा, हाथ बताओ 1 2 फर्स्ट बार को 4 सेकेंड लगे हैं इस पोजिशन तक पहुँचने में, अच्छा 2 सेकेंड 3 सेकेंड तीन वाले भी 3 सेकेंड 1 सेकेंड तीन वाले 1 सेकेंड और समय ही नहीं लगेगा बाकी जैसे क्या लाएंगे ना, तो कौन सा आंसर है? अभी 4 ही बाल है तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है भाई, 5 6 इसलिए ऑप्शन नहीं बोला गया कि ज़्यादा ज़्यादा 4 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। तो आपका आंसर कौन वाला है जो सही रहेगा मेरा है? कौन सा आंसर है करेंगे भले होशियारी ना करें, तो यहाँ से बेटा बोला कि हर के लिए समय कितना है 1 1 सेकेंड, तो अगर 1 सेकेंड इसको दिया 1 सेकेंड इसके बीच में गैप वाला भी 1 सेकेंड दिया इसके बीच में गैप वाला भी 1 सेकेंड हुआ कितना सेकेंड इसको मिला, कहा अभी 3 ही मिला 14 तो लटका हुआ है अभी मेरा नहीं है अभी तो छोड़ा नहीं गया है अभी जस्ट छोड़ने वाले हैं। ठीक है अभी इसको हमने ड्रॉप नहीं किया, फोर्थ क्या है जस्ट ड्रॉप करने वाले हैं। ठीक तो वो कंडीशन हुआ यानी इसके लिए जो समय टोटल हुआ ये 3 सेकेंड मिला इसको कितना 2 सेकेंड मिला इसको कितना 1 सेकेंड मिला इसको भी मिला ही नहीं, तो इसीलिए जो डिस्टेंस अभी कवर अभी नहीं किए यही मेन हमारा जहाँ से ड्रॉप करें वो पॉइंट है। ठीक है अब पूछा जाए कि H1 की वैल्यू H2 की वैल्यू और H3 की वैल्यू में क्या रिलेशन मानेंगे। ठीक तो देखो H1 वाला ये 3rd सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड है, H2 वाला 2nd सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड है और H1 वाला H3 वाला 1st सेकेंड 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड है, तो लिखेंगे H1 H2 H3 यू सभी का 0 है, सबको ड्रॉप किया गया था तो यू सबके लिए क्या है 0 है, करेंगे H2 N3 -1 कैंसिल हो जाता है। ठीक तो अब बचा क्या 2 M3 का मान 3 है बेटा,
याद रखिएगा, ये रिलेशन बनते हैं। अगर एच ए वन के साथ एच टू एच थ्री कहाँ से अध्ययन लेना, अभी देखो किताब में यही क्वेश्चन है कि इसने एच वन एच टू एच थ्री उल्टा माना है, ऊपर से ऊपर से मारना है तो एच वन की वैल्यू एच टू बाई थ्री हो जाएगा और एच थ्री बाई क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। फोर बॉल्स जल्दी करें, फोर बॉल्स ठीक, फोर बॉल्स चार बॉल है, फोर बॉल्स ईच आर ड्रॉप्ड, ईच आर ड्रॉप्ड एट द इंटरवल ऑफ, ईच आर ड्रॉप्ड एट द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एट द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। सभी को एक एक सेकेंड के अंतराल पे बेटा छोड़ा जाता है, इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड लिखिएगा। व्हेन लास्ट बॉल इज जस्ट टू रेडी, लास्ट बॉल इज जस्ट टू रेडी टू ड्रॉप, जस्ट टू रेडी टू ड्रॉप, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल रिस्पेक्ट, बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल रिस्पेक्टिवली, बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल जो आपके क्या होंगे ठीक, उनका रेशियो क्या होगा वो फाइंड करना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल रिस्पेक्टिवली ठीक, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल रिस्पेक्टिवली। निकालिए निकालिए क्या छापा हुआ छाप लेंगे, बट अपने मन से छापेंगे तो फायदा जाते रहेंगे। डायग्राम में देख ध्यान देना, हमने नीचे से एक्सवन लिया है पहले के बाद डिस्टेंस का वर्ड, अभी ये पेपर किसी के उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, बाईस बेटा बाईस पहला क्वेश्चन है, सिलेबस से मालूम होगा 2013 स्टूडेंट्स कॉल इन द गैप पे कवर डिस्टेंस है एच वन एच टू एच थ्री इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड नहीं, सेम क्वेश्चन 22 में, 2022 में भी है बेटा सेम यही कंडीशन है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, तो अगर फोर्थ हो जाएगा तो 16941 आएगा और अगर थर्ड तक ले रहे हैं हम लोग तो 531 आएगा ठीक, 1357 होता है, हाँ 1357984 हाफ 80 स्क्वायर से यू जीरो रहेगा, इतनी वाला आसान इसे तो इतना कि ये बराबर की तो इसका तुलना दो बार करना पड़ता है, एक बार टोटल निकालेंगे फिर घटाएंगे दो बार दूसरे बार दबा लेंगे दो टाइम पे कर जाता है। जिनको सब गोला क्यों ही बनता नहीं, जिनको गोला क्यों ही नहीं बनता सब
जी क्वेश्चन बोले उसमें हाँ उसी का सर फिर सब कुछ बोले कि डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बॉल रिस्पेक्टिवली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बॉल रिस्पेक्टिवली उनके रेशियो निकालने डिस्टेंस कवर्ड के आप तो सर फर्स्ट बॉल डिस्टेंस तो यहाँ से भी वहाँ चले ना तो फर्स्ट बॉल 5 मीटर चला खाली क्वेश्चन नहीं होती है क्या बोलोगे एंड लास्ट बॉल जस्ट अदर प्लेसर ड्रॉप देयर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल आप वहीं कर लिएगा रिस्पेक्टिवली इन ऐसे कर लो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉल थोड़ा सा वो कर लीजिए मतलब उसको वही है बट उसमें कभी आप उसे कन्फ्यूज होंगे फर्स्ट बॉल के द्वारा ये डिस्टेंस ये ऐसे कर लो डिस्टेंस कवर्ड नहीं ऐसे तक थोड़ा चेंज कर लो नहीं तो कन्फ्यूजन हो रहा बेटा थोड़ा चेंज कर लीजिए लैंग्वेज को लैंग्वेज थोड़ा ऐसे बना लीजिए देन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ठीक डिस्टेंस देन कैलकुलेट ऐसे कर लो चेंज कर लिए हम चेंज ही कर देते जैसे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ठीक बाई नहीं करो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन कर दे बेटा बिटवीन फर्स्ट सेकेंड कमा सेकेंड थर्ड एंड थर्ड फोर्थ बॉल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन फर्स्ट सेकेंड कमा सेकेंड थर्ड एंड थर्ड फोर्थ बॉल मतलब उनके बीच की दूरियाँ जो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं उनके रेशियो आप निकाल अब नहीं कन्फ्यूजन होगा ना जल्दी करिए कर लेंगे अब इस टाइप का क्वेश्चन जी अब ये क्वेश्चन जो आपने घेरा है ना अब ये भी लग जाएगा लगा लगा नेक्स्ट आप करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एटी करो रिलेटिव वेलोसिटी ये वाला लग गया था बाद में गलत ये लग गया नहीं लगा होगा तो लग गया उसी दिन लग गया पहले चांस लाए फिर 14 से 4 बेटा रिलेटिव वेलोसिटी सुनिए यूज़ कहाँ होता है क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं देखिए अगर किसी एक सिंगल बॉडी के द्वारा बेटा कोई भी चीज़ आपको इसकी वेलोसिटी उसके द्वारा डिस्टेंस कवर्ड या समथिंग फाइंड करना होता है तो हम लोग इसके इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आप मोशन से डायरेक्ट लगा लेते हैं लेकिन अगर दो बॉडी हैं और वो दोनों मोशन में दो बॉडी हैं दोनों ही कैसे हैं मोशन में हैं उस केस में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर इंडिविजुअल बॉडी की क्या कंडीशन को फॉलो करते हुए आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा टेढ़ा हो जाता है मतलब लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सर ऐसा नहीं आएगा आएगा बट आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और रॉन्ग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठीक तो उन्हीं चीज़ों को ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है रिलेटिव को इसका मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी की कंडीशन क्या बनती है अगर दो बॉडी हैं दोनों मोशन में हैं दो बॉडी हैं दोनों कैसे हैं बेटा मोशन में हैं उस कंडीशन में वो एक दूसरे का क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा कितने डिस्टेंस होगा कितने टाइम के बाद दोनों की मीटिंग होगी या कितने टाइम बाद वो सेपरेट होंगे क्या कंडीशन बनेगी वो सारी चीज़ें इसके बेस पर क्वेश्चन आपको डिजाइन किए जाते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा सापेक्ष चाल या सापेक्ष गति कुछ पढ़ा होगा ठीक है रिलेटिव वेलोसिटी ठीक बोलेंगे क्या होगा देखो बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी जैसे अभी आप लोग रेस्ट में हो जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ये आपके रिस्पेक्ट में हमारे क्या हो जाएगी मूवमेंट रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी या कह लो वही सिंपली जो वेलोसिटी है वही रिलेटिव कहलाएगी बट अगर दोनों लोग मूव कर रहे हैं तब रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड करेगा दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है और उन जो मूविंग बॉडी है उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी कितनी है उनके बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं ठीक तो लिख लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट
वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी जो होती है उसे नाम देते बेटा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, अब जैसे सुन लो थोड़ा सा ऐसे जनरल अपने एग्जाम्पल फिर बताते हैं। जैसे बस में जर्नी तो एडजस्ट हमने किया होगा, कितने ऐसे हैं जो अभी बस में बैठे नहीं, हाँ बता सब बैठे हो। अच्छा, ट्रेन में कितने लोग बैठे, ट्रेन में कितने लोग बैठे, चलो देखो। तो इस केस में क्या होता है, जब हम लोग जर्नी करते हैं तो पैरेलल व्हीकल से, वो बस की बात हो, ट्रेन की बात हो, साइकिल की बात हो, मोटरसाइकिल की बात हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाती हैं बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट अगर हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक, तो उस केस में उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो दोनों की वेलोसिटीज के डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे मान लो आप किसी बस से जा रहे हो, आपका कोई बस पीछे से ओवरटेक कर रहा हो, ठीक है, सपोज दैट आपकी बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, पड़ोसी जो बस था उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो कंडीशन में क्या होगा, आपके रिस्पेक्ट में आपकी के डायरेक्शन में ओवरटेक करके निकलेगा तो आपको उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 80, 60, 20 या 140? अगर जैसे कहा गया किलोमीटर का आवर, तो हमें फील होता कि हमारे वाले से थोड़ा तेज़ चल रहा है दूसरा वाला, ऐसे फील होता है ना। लेकिन अगर दो बसें हैं, एक उधर से आ रही है आपकी इधर से जा रही है, और दोनों जब क्रॉस करती हैं, अगर आप विंडो पे बैठे हुए हो और दोनों क्रॉस करती है तो ऐसा फील होता बड़ी तेज़ चल रही है बसें, जबकि बड़ी तेज़ नहीं वही वेलोसिटी आपकी उधर से भी, बट फीलिंग क्या हो रही है दुगने इसकी, अलग हो रही है, कहाँ 20 कहाँ 140, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है वो ड्यू टू रिलेटिव मोशन की वजह से, ठीक है। तो ये पहला केस बन गया, मैं दो बार मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सेकेंड होता है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन के बाद, कितने अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कंडीशन यहाँ पर मिलेगा यहाँ जो तो रिलेटिव होगा कि V1 अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, दो वेक्टर्स अपोजिट में हैं तो हमेशा उनका रिलेटिव वैल्यू दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो V1 प्लस कितना हो जाएगा, V1 प्लस इसे आप कट हो जाएगा मेकिंग एन एंगल थीटा।
उसका कैसे निकालते हैं? चलिए हो गया बेटा, अब इतना कर लीजिए, फिर कल हम लोग बाकी आगे करते हैं।